मॉर्निंग dear स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 11.5 पॉइंट फाइव सो वॉट इज़ अवर फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे एक बिल दिया गया है देखिए चेक द फॉलोइंग बिल एंड फाइंड आउट whether there is any error in it आपको यहाँ पे एक बिल दिया गया है आपको चेक करना है कि बिल में कोई गलती तो नहीं है बिल सही है या नहीं ये आपको चेक करना है ओके okay? तो आपको फर्स्ट बिल दिया है ज्योति जनरल शॉप का ओके okay? बिल है ये आइटम कॉस्ट और रुपीस सब लिखा हुआ है आपको यहाँ उसका चेक करना है ठीक है आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ कभी मार्केट गए हो ठीक है जाते हो ना सभी बच्चे और जब मम्मी किसी चीज़ के पैसे देती हैं तो अच्छे से देखा करो ठीक है आपने क्या सामान खरीदा है उसका कितना पैसा होना चाहिए कहीं दुकान वाला आपसे ज़्यादा पैसे तो नहीं रहा चलो आज मैं आपको सिखाती हूँ आप अच्छे से सीखिए उसके बाद फिर मम्मी पापा के साथ मार्केट जाया करिए ओके और चेक करा करिए कहीं दुकान वाला आपसे पैसे ज़्यादा तो नहीं ले रहा ओके तो आइटम यहाँ पे क्या लिखे हैं यहाँ पे आइटम है कॉस्ट एंड देन उसके पैसे कितने होते हैं वो यहाँ लिखे हैं रुपीज़ यहाँ लिखे ओके थ्री पेपर हैड्स तीन पेपर की हैड्स हैं उसकी एक की कॉस्ट कितनी है पच्चीस रुपये ट्वेंटी फाइव रुपीज़ फिफ्टी पैसा है ओके तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं ठीक है थीके? कितनी कॉस्ट है ट्वेंटी फाइव रुपीज फिफ्टी पैसा इंटू थ्री करना है हमें ओके उसका पैसा जितना होगा उसे हम यहाँ साइड में लिखते जाते हैं या उधर जगह नहीं है तो हम हमारा रजिस्टर रफ रजिस्टर में ले कर सकते हैं ओके तो एलेवन पॉइंट फाइव एक्सरसाइज का ए ठीक है क्या है देखिए थ्री पेपर हैट्स हैं है ना इसकी कीमत कितनी है ट्वेंटी फाइव रुपीज़ फिफ्टी पैसा इंटू मल्टीप्लाई बाय थ्री है ना इसकी जितनी भी पैसे होंगे हम यहाँ लिख लेंगे फाइन ठीक है नेक्स्ट क्या है टू पैक बलून दो पैकेट बलून के हैं है ना एक की एक पैकेट का कॉस्ट कितना है फिफ्टीन रुपीज सेवेंटी फाइव पैसा है है ना टू का हमें निकालना है ठीक है यहाँ लिख लेंगे हम उसे ठीक है अब नेक्स्ट टू पैकेट पेपर प्लेट्स पेपर प्लेट्स की दो पैकेट हैं एक का कॉस्ट कितना है थर्टी फाइव रुपीज और ट्वेंटी फाइव पैसा इंटू टू ओके हमें जो भी हमारी कॉस्ट आएगी वो यहाँ लिखना है ठीक है चलिए तो हमें इसे सॉल्व करना है हम रफ में ऐसा कॉलम बना लेते हैं ओके ट्वेंटी फाइव रुपीज़ फर्स्ट वाले को हम पहले करते हैं हमें पहले पेपर हेड्स की की पैसा निकालना है ओके इंटू थ्री मल्टीप्लाई हम नॉर्मल जैसे नंबर का करते हैं वैसे ही करेंगे बस राइट साइड से टू डिजिट के बाद डॉट लगा देंगे ओके थ्री जीरो जो ज़ीरो थ्री फ़ाइव ज़ा फिफ्टीन का फाइव वन कैरी थ्री फ़ाइव ज़ा फिफ्टीन वन सिक्सटीन ओके सिक्सटीन का सिक्स वन कैरी थ्री टू ज़ा सिक्स और वन सेवन और टू डिजिट के बाद डॉट ओके तो फर्स्ट की कॉस्ट कितनी आई सेवेंटी सिक्स रुपीज़ फिफ्टी पैसा ओके नेक्स्ट करते हैं हम लोग फिफ्टीन पॉइंट सेवन फाइव मल्टीप्लाई बाय टू ओके तो टू फाइव ज़ा टेन का ज़ीरो वन कैरी टू सेवन ज़ा फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन का फाइव वन कैरी टू फाइव जी टेन वन एलेवन टू वन ज टू वन थ्री ओके और टू डिजिट के बाद डॉट तो कितना पैसे आए इसके क्या के बलून के पैकेट के कितने थर्टी वन रुपीज फिफ्टी पैसे आए ओके okay? अब मेरे पास तो यहाँ जगह नहीं बची तो मैं यहाँ कर रही हूँ लेकिन आप लोग को यहाँ करने की ज़रूरत नहीं आप लोग वहीं एक तरफ कर करिएगा ठीक है थर्टी फाइव रुपीज़ ट्वेंटी फाइव पैसा मल्टीप्लाई बाय टू तो टू फाइव ज़ा टेन का ज़ीरो वन कैरी टू टू ज़ा फोर वन फाइव ओके टू फाइव जै टेन का ज़ीरो वन कैरी टू थ्री ज़ा सिक्स और वन सेवन और टू डिजिट के बाद हमने डॉट लगा दी तो कितने पैसे आए बेटा पेपर प्लेट के सेवेंटी रुपीज़ फिफ्टी पैसा ओके अब हम ये जो हमारे नंबर हमने लिखे हैं कॉस्ट आई है रुपीज़ आए हैं उसे हम इससे मैच करते हैं तो फर्स्ट क्या आया था सेवेंटी सिक्स रुपीज़ फिफ्टी पैसा ये देखो यहाँ पे सेवेंटी सिक्स रुपीज़ फ़िफ्टी पैसा है ना थर्टी वन रुपीज़ फ़िफ्टी पैसा देन सेवेंटी रुपीज़ फिफ्टी पैसा तो ये सब ठीक है ना अब हम इस सब को प्लस करते हैं तो फिफ्टी ये ज़ीरो का ज़ीरो फाइव प्लस फाइव टेन प्लस फाइव फिफ्टीन का फाइव वन कैरी ओके देन सिक्स प्लस वन सेवन एट सेवन प्लस थ्री टेन प्लस सेवन सेवनटीन है ना ठीक है तो हम टू डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे ओके तो ये बिल तो सही लगाया उनने बट यहाँ पैसों में देखिए थोड़ा सा मिस्टेक आया यहाँ पे वन सेवेंटी सेवन रुपीज़ आ रहे हैं और हमारे इसमें वन सेवेंटी एट रुपीज़ फिफ्टी पैसा आ रहा है तो वन रुपीज़ का गड़बड़ है है ना ठीक है तो ये क्या है बिल ये बिल एरर है है ना इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है ठीक है ऐसे ही आपको ये बी वाला होमवर्क है ये आपको सॉल्व करना है ओके okay? और नहीं बने तो आप ग्रुप में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं ओके हैव नाइस डे